अरे अरे असलम भाई कहाँ आए हो? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई रमजान के महीने में तुम टिफिन लेके जा रहे हो? असलम भाई तुम घर से टिफिन पैक करा के लेके जाते हो, पब्लिक के छुपक के खाते हो, फिर तुम गए थे मेरा रोजा है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें जहन्नुम में डालेगा असलम भाई। मेरे अलावा है कौन तेरा इस दुनिया में? चल ज़्यादा नखरे मत कर, चुपचाप नहीं खाना खा ले, चल। तू भी तो खा। नहीं मैं नहीं खा सकता, आज का मेरा रोज़ा है, तू खा। चल बे ये क्या रोज़ रोज़ का लगा रखा, चल सब समय डीजर है, चल। यार की जी कम से कम इसे खाना तो खाने दिया करो। चल बे कोई खाना वाना नहीं होगा, टाइम ओवर हो गया, ये सब समेट जल्दी। और हाँ तुम सभी लोग सुन लो, कोई भी आतंकवादी मेरे इस कारखाने में ना जाए। आगे हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, बल्कि तेरे जैसा सोच रखने वाले आतंकवादी होते हैं। असलम तू छोड़। जागे। असलम भाई। अरे असलम भाई क्यों जाकर ऐसे चक्कर में पड़ रहे हो? दोस्त है वो मेरा। दोस्त? अस्तग़फ़िरुल्लाह, हिंदू आज तक कभी किसी के दोस्त नहीं बने। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी दोस्ती कैसे हो गई। तुझमें और उस त्यागी में रद्दी भर का फर्क नहीं है, तुम जैसे लोगों ने हमारे हिंदुस्तान में जहर घोल रखा। चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे यार तेरा फिर तो ये मालूम है त्यागी जी का? त्यागी जी को छोड़ ये रख। अरे नहीं ये तू रख। नहीं मैं नहीं रख सकता, आज का मेरा रोजा है, तू रख। आज भी तेरा रोजा? मैं पागल, आज तो अलविदा का रोजा है, तुझे पता मुसलमानों का सबसे बड़ा रोजा होता है अलविदा का रोजा, और आज की इफ्तारी तू करवाएगा मुझे। करवा देगा ना? हाँ मैं करवा दूंगा। मुझे ना पता आज की अफ्तारी तू करवाएगा मुझे। चल बे तू भागे, ताले पैक करवा, काम होता नहीं है, पैसे लेने आ जाते हैं इतनी जल्दी। अबे तू बता अब तेरा क्या काम है?
त्यागी जी इस महीने की पगार दे देते। इस महीने की तो तुमने एडवांस में ले रखी है। त्यागी जी एक महीने की और दे दी है, मैं कैसे भी करके उतार दूंगा ओवर टाइम करके। ओवर टाइम देख ले, रात के 12 बजे तक होती है ओवर टाइम। त्यागी जी मैं कर लूंगा कैसे भी करके, कर लूंगा, दे दो। ठीक है ये ले पैसे। त्यागी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सुन इधर आ, करेगा क्या इन पैसों का? त्यागी जी कुछ ना, बस जरूरत पड़ गई पैसों की। अबे साफ साफ बता करेगा क्या इन पैसों का? कुछ ना त्यागी जी, बस असलम का आज अलविदा अगर हो जाता ना तो गिरफ्तार कराना। ला वो पैसे दे इधर। कब कहा? मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरा भाई। अरे रिलैक्स, आपका भाई ठीक है पर थोड़ा एक्सीडेंट होने के बाद उसका खून बह गया है। जल्दी से आप खून के इंतजाम करिए। ओ नेगेटिव। 5 मिनट में मैं अभी खून का इंतजाम कर रहा डॉक्टर साहब, बस 5 मिनट में। डॉक्टर साहब मैं खून का इंतजाम नहीं कर पाया। डॉक्टर साहब घबराने की जरूरत नहीं है, खून का इंतजाम हो चुका है। एक नौजवान मुस्लिम लड़का था। आकाश क्या हो गया? आकाश क्यों रो रहा? असलम मैं वो क्या आकाश की अफ्तारी का इंतजाम नहीं कर पाया। असलम आओ भाई जल्दी। अरे आकाश देख के रहा, लेकर आ असलम का रोजा है आज का। चलो भाई असलम। अच्छा आकाश तुझे एक बात बतानी थी, आज का मेरा रोजा नहीं था, मतलब था टूट गया। एक बच्चे को ब्लड की सख्त जरूरत थी तो मैंने उसे अपना रोजा तोड़ के ब्लड दिया था। इंतजाम हो चुका है। त्यागी जी एक महीने की और दे दो।